Hello friends, today I am going to explain you the story, Woodman Spared That Tree. The poet emphasizes the need to protect the trees. Read the poem to explore more. Woodman Spared That Tree, touch not a single bough. Woodman, us tree ko mat chhedo. Touch not a single bough. इस ट्री की एक सिंगल ब्रांच को भी मत टच करो. In youth, it sheltered me, and I will protect it now. पोएट कहता है कि जब मैं छोटा था तब इसने मुझे शेल्टर दिया, छाया दी, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मेरी बारी है इस ट्री को प्रोटेक्ट करने की. It was my forefather's hand that placed it near his cot. Poet कहता है कि मेरे पापा ने इस ट्री को यहाँ लगाया था और वो यही अपना बेड लगाकर सोते थे. There, woodman let it stand. The axe shall harm it not. वो कहता है कि woodman इसी पेड़ को खड़े होने दो, तुम्हारी जो एक्स है वो इसे नुकसान नहीं दे पाएगी. That old familiar tree whose glory and renown are spread over land and sea, and will just hew it down. पोएट कह रहा है कि ये ओल्ड फैमिलियर ट्री हमारी फैमिली के एक मेंबर की तरह है जिसे लैंड और सी दोनों जानते हैं. हर कोई इस ट्री को जानता है. वुडमैन फॉरबियर द स्ट्रोक, कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज. पोएट कह रहा है कि इसे जमीन से मत उखाड़ो. ओ स्पेयर दैट एज्ड ओक, इस एज्ड ओक को मत उखाड़ो. नाउ टावरिंग टू द स्काइज, जब मैं छोटा था तभी मुझे शेल्टर देता था और जब मैं बड़ा हो गया हूँ तब ये स्काइज को छू रहा है. व्हेन बट एन आइडल बॉय आई सॉट इट्स ग्रेटफुल शेड, इसकी शेड बड़ी ग्रेटफुल है, बड़ी अच्छी है. इन ऑल देयर गशिंग जॉय हियर टू माय सिस्टर्स प्लेड. पोएट कह रहा है कि यहाँ पे जब मेरी सिस्टर्स खेलती थी यहाँ पर बड़ी रौनक होती थी. माय मदर किस्ड मी हियर, मेरी मदर ने मुझे यहाँ किस किया था. माय फादर प्रेस्ड माय हैंड, मेरे फादर यहाँ पे मेरे हाथ पैर दबाते थे. फॉरगिव दिस फूलिश टियर बट लेट दैट ओल्ड ऑक स्टैंड. पोएट कह रहा है वुडमैन को कि अपने माइंड से इस ट्री को काटने के इस गंदे से आइडिया को निकाल दो और इस ओल्ड ओक को फ्रीडम से स्टैंड करने दो. माय हार्ट स्ट्रिंग्स राउंड द क्लिंग, पोएट कह रहा है कि जो मेरी दिल की धड़कन है वो अभी भी इससे जुड़ी हुई है. क्लोज एज द बार्क ओल्ड फ्रेंड, वो कह रहा है कि जैसे ट्री की बार्क ट्री से जुड़ी रहती है वैसे मेरे दिल की धड़कन भी इससे जुड़ी हुई है. हियर शैल द वाइल्ड बर्ड सिंग, यहाँ पर बर्ड्स आकर सिंग करते हैं. एंड स्टिल द ब्रांचेस बेंट, फिर भी ब्रांचेस अब तक उन्हें झुककर उनकी रिस्पेक्ट देते हैं, उनका आदर करते हैं. ओल्ड ट्री द स्टॉर्म स्टिल ब्रेव, ये ओल्ड ट्री स्टॉर्म में भी ब्रेवली खड़ा रहता है. एंड वुडमैन लीव द स्पॉट, पोएट वुडमैन को कह रहा है कि तुम यहां से अभी चले जाओ. Why I have a hand to save, the axe shall
विल हार्म इट नॉट। पोएट वुडमैन से कह रहा है कि हमें इस ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, एक्स से उखाड़ना या हार्म नहीं करना चाहिए। रिटन बाय जॉर्ज पॉप मॉरिस। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।